अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हम स्टार्ट करेंगे हमारा एक और यूनिट विच इज अ पार्ट ऑफ नेफ्रोलॉजी कुछ जगह पे, लेकिन सिंस इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो मतलब मैं इसको कंसीडर करती हूँ कि ये थोड़ा सा अलग ही है, सिर्फ नेफ्रोलॉजी डिपेंडेंट नहीं है, तो इसलिए हम इसको अलग से पढ़ेंगे। और इसका नाम हमने लिखा हुआ है एसिड बेस एंड इलेक्ट्रोलाइट्स डिसऑर्डर। मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स जो आपकी हो रही होती है उसमें आती है इसके अंदर, और तो होती बहुत सारी चीजें, लेकिन हमने इसमें मेनली जो कंसंट्रेट करे वो एक एसिड बेस डिसऑर्डर जिन्हें मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस वगैरह पे, और दूसरा हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स के डिसऑर्डर है जिसमें जैसे अभी हमने जो पढ़ना है वो है सोडियम की, सबसे पहले हम बैलेंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिसमें सोडियम लो हो जाता है जो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं, और पहला टॉपिक वो है। ठीक है, इनमें से क्वेश्चन आते होते हैं, इस वजह से आपने मैं सिर्फ वही चीजें करूंगी जिनमें से आती है वो आपने ध्यान से करनी है। एक सोडियम है, एक कैल्शियम है, एक पोटेशियम है, ये इसमें से ज्यादा आते हैं, देन आपके वो मेटाबॉलिक एसिडोसिस एल्कलोसिस वगैरह वो ज्यादा आता है, दैट्स इट। हम इतना ही सब कुछ इसमें से करेंगे इंशाल्लाह। तो ध्यान से ज्यादा करना है, थोड़ा सा समझने वाली चीजें, लेकिन है बहुत ही आसान है, मतलब कि अगर एक दफा आपके जहन में चीज बैठ जाती है कितनी कुछ मुश्किल है ही नहीं इसमें। हाइपोनेट्रीमिया नाम से आप सबको पता चल रहा है कि जब आपका सीरियम सोडियम लेवल 135 मिलीमोल्स पर लीटर से कम होता है तो उसको हम हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। नॉर्मल जो ब्लड का या सीरम का सोडियम लेवल होता है 135 से 145 मिलीमोल्स पर लीटर होता है, और जब भी इससे 135 से कम होगा तो आपका हाइपोनेट्रीमिया में आ जाएगा। ठीक है, हाइपोनेट्रीमिया में हमारे पास क्लासेस की बात करते हैं तो तीन तरह से हमने उसके टाइप पर माइल्ड मॉडरेट और सिवियर हाइपोनेट्रीमिया में उसको डिवाइड किया हुआ है। 130 से 135 के दरमियान में होता है तो उसको हम कहते हैं माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया। ठीक है, उसके बाद पांच और पीछे चले जाए 125 से 129 के दरमियान में है तो मॉडरेट, और 125 से अगर कम है या 124 और उससे कम है तो फिर वो आपके पास सिवियर आ जाता है। ठीक है, माइल्ड में तो कोई खास सिम्टम्स नहीं आते लेकिन मॉडरेट और सिवियर में आते हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। थोड़ी सी अगर इसी हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें कि ये डेवलप कैसे होता है, सोडियम लेवल बॉडी में कम किस किस वजह से हो सकते हैं, कॉजेज एंड पैथोफिजियोलॉजी, इसकी जरूरत ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और यही आपके इन्वेस्टिगेशन में भी आपको इसी की जरूरत होगी, आपको मैनेजमेंट में भी इस पैथोफिजियोलॉजी की बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है, इसलिए आपने इसको अच्छे से समझना है। पहली बात तो ये हो सकती है कि बॉडी का टोटल वॉल्यूम ही कम हो गया ड्यू टू एनी रीजन। अब सपोज ये कि पेशेंट को हुआ है ट्रॉमा में उसका ब्लड लॉस हुआ है। ठीक है, ब्लड लॉस हुआ है उसका तो जाहिर उसका टोटल बॉडी वॉल्यूम ही कम हो गया। अब टोटल बॉडी वॉल्यूम जब कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि सोडियम लेवल भी ब्लड में थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसमें अगर पेशेंट को ये हुआ कि काफी सारा ब्लड लॉस हुआ है और जब उसे दोबारा से दिया गया कोई फ्लूइड तो उसको ऐसा फ्लूइड दिया गया जो सोडियम रिच नहीं था, अभी भी पेशेंट हाइपोवोलीमिया में है। सपोज उसका 2 लीटर ब्लड लॉस हुआ है, आपने 1 लीटर उसको इन्फ्यूज कर दिया लेकिन उसमें सोडियम नॉर्मल अमाउंट में नहीं था, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि पेशेंट हाइपोवोलीमिया में भी है लेकिन हाइपोनेट्रीमिया ज्यादा हो गया क्योंकि सोडियम ज्यादा निकल गया बॉडी से और उसको किसी ने रिप्लेस नहीं किया, पानी को रिप्लेस कर दिया। तो जो पहला टाइप ऑफ हाइपोनेट्रीमिया होता है दैट इज हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया, इसमें होता है कि ब्लड का वॉल्यूम भी कम है और सोडियम भी कम है लेकिन सोडियम ज्यादा कम है ब्लड के वॉल्यूम से। अभी किस किस चीजों में हो सकते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं जब हमारे पास रीनल में से किडनी सोडियम लॉस होते हैं, जैसे डायरेटिक थेरेपी में अगर आप डायरेसिस किसी को देते हैं, ऐसे डायरेटिक्स देते हैं जो कि उसकी बॉडी से फ्लूइड भी निकाल रहे हैं और साथ सॉल्ट्स भी निकाल रहे हैं, और आप ऐसा दे देते हैं जिसमें सोडियम लूज हो रहा है खास तौर पर, तो फ्लूइड तो निकल ही निकल और सोडियम ज्यादा लूज हो रहा है तो पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपोवोलीमिया हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इसके कॉजेस का पता होना चाहिए कि पहला आपका रीनल सोडियम लॉसेज है जिसमें यू हैव डायरेटिक थेरेपी, देन आपका वॉमिटिंग और डायरिया जो होता है उसमें भी फ्लूइड और साथ सॉल्ट्स दोनों निकल रहे होते हैं बॉडी से, तो वॉमिटिंग डायरिया वेरी कॉमन एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, सवेयर वॉमिटिंग सवेयर डायरिया, इसमें पेशेंट की दोनों चीजें कम हुई हुई है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द ब्लड यानी फ्लूइड भी कम है और सोडियम भी कम है, और उसके साथ जो बर्न्स के पेशेंट होते हैं, बर्न्स के पेशेंट में भी बहुत ज्यादा क्योंकि फ्लूइड लॉस और सोडियम लॉस दोनों हो रहा होता है स्किन से, क्योंकि उनकी स्किन जली हुई होती है वो चीजों को कंजर्व नहीं कर सक रही होती। तो ये आपने इसकी 3-4 जो कॉजेज है वो जरूर याद रखी है, लिखी भी सारी है, मतलब आप नहीं भी लिखेंगे तो इट्स फाइन, नेवेटसन में तो लिखी हुई है, अदरवाइज अगर वहां नहीं लिखी हुई जो अगर आप शॉर्ट बुक फॉलो करें तो अपने पास लिख लेंगे एक रीनल सोडियम लॉस है, एक वॉमिटिंग डायरी और एक बर्न है। दूसरी जो कंडीशन है उसमें क्या है कि यूवोलीमिया है लेकिन हाइपोनेट्रीमिया, इसमें क्या है जरा से इस बात को बस समझना। सेकंड वाली कॉज में इसमें जो नॉर्मल सोडियम लेवल है ब्लड का वो नॉर्मल है, मतलब अगर सोडियम लेवल इज 135 टू 145 तो सोडियम नॉर्मल है उतने की दर रेंज में ही है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्लूइड लेवल ज्यादा हो गया, फ्लूइड ओवरलोड हो गया बॉडी में, कि अगर एक जरा मैं इतने से कंटेनर में इतना पानी रखूंगी, ठीक है, इतना पानी रखने के बाद मैं इसमें 10 पार्टिकल्स डाल देती हूँ और मैं मैयर करूंगी तो जाहिर है ये ज्यादा मैंने बना दी तो 10 पार्टिकल्स 10 ही निकल देंगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कंटेनर में पानी इतने के बजाय इतना ज्यादा कर दूंगी, ठीक है, तो ये 10 पार्टिकल्स तो 10 ही रहेंगे लेकिन अब क्योंकि ये ज्यादा वाटर में डिस्ट्रीब्यूट हो गए तो हो सकता है कि मैं कहीं से जब सैंपल लूं तो मुझे अब कम महसूस हो। ठीक है,
है सोडियम उतना ही है, 10 ही पार्टिकल्स है, लेकिन अब जगह ज्यादा है ना, अब उन्हें ज्यादा एरिया को कवर करना है, तो बेचारे दूर 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 पड़े हुए हैं, उसकी वजह से हमें रिलेटिवली उनका जो लेवल है वो लेस लग रहा है। इसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया विद यूवोलीमिया। इसमें दो बातें होती है कि सोडियम लेवल इज नॉर्मल, देयर इज नो प्रॉब्लम विद सोडियम लेवल, बट फ्लूइड लेवल ऑफ द बॉडी इज इंक्रीज्ड, फ्लूइड ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से हमें लग रहा है कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है। और ये किस किस चीजों में हो सकता है, ये आपको हो सकता है सिंपली पोलीडिप्सिया में, जो लोग बहुत पानी पीने की आदत होती है उनको, बल्कि इवन न्यूरोलॉजिकल डिस्टर्बेंस होती है कि वो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, इतना पानी पीते हैं कि उनकी बॉडी में फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है और उनको रिलेटिव हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। ठीक है, इसको यू वॉल्यूमिक कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द जो बॉडी है वो नॉर्मल है और वो सोडियम लेवल बेसिकली बॉडी में नॉर्मल है और आपका फ्लूइड ओवरलोड हुआ है। उसके साथ हो सकते हैं ये तब जब आप बहुत ज्यादा पेशेंट को बाहर से फ्री वाटर इन्फ्यूज कर दे, मतलब आईवी ड्रिप आपने उसे लगाई किसी रीजन से और वो सिंपली फ्री वाटर की ड्रिप थी, तो जाहिर उसमें सोडियम लेवल कम हो जाएगा। इसी तरह जो सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रीशन होता है, ऐसा ही एडीएच बड़ी इंपॉर्टेंट कॉज है, इसमें यह होता है कि सिंड्रोम होता है जिसकी वजह से एडीएच बॉडी में जरूरत से ज्यादा सिक्रीट होता है, वो जरूरत से ज्यादा बॉडी को किडनी में से वाटर को किडनी में से कंजर्व करते हैं। एडीएच का काम यही होता है ना, वैसोप्रेसिन हार्मोन, किडनी में से वाटर कंजर्व करना, तो जरूरत से ज्यादा कंजर्व करेगा तो जाहिर सी बात है कि फ्लूइड लेवल बॉडी का ज्यादा हो जाएगा। एंड हाइपोथायराइडिज्म में भी ये हो सकता है, हाइपोथायराइड जब थायराइड का लेवल नॉर्मल नहीं होता तो बहुत सारे मेटाबॉलिज्म खराब होते हैं, ये भी हो जाता है। अब आप सोचेंगे कि इसमें फर्क तो बॉडी को नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि ज़ाहिर सोडियम है तो नॉर्मल ही है, लेकिन देखिए ना जब फ्लूइड ज्यादा है, ब्लड का वॉल्यूम ज्यादा है, तो सोडियम बेचारा जहां जहां जो नॉर्मल काम उसने करने थे नॉर्मल अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, अब वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसको बहुत ज्यादा वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, तो हाइपोनेट्रीमिया के सारे फीचर्स यहां पर भी आते हैं हमारे पास। अब जो तीसरी कॉज है वो आपके पास हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरवोलीमिया। अब इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारे पास बेसिकली असल में देखा जाए तो सोडियम लेवल बढ़ रहा होता है, लेकिन सोडियम के साथ साथ फ्लूइड लेवल उससे ज्यादा बढ़ रहा होता है। यहां पर सोडियम भी कम था और फ्लूइड भी कम था, लेकिन सोडियम ज्यादा कम था। यहां सोडियम नॉर्मल है, ठीक है, इधर सोडियम नॉर्मल है लेकिन फ्लूइड ज्यादा है ब्लड में, सोडियम नॉर्मल है इधर, और यहां पर यह है कि सोडियम भी इंक्रीज हो रहा है प्लस फ्लूइड उससे ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो जाहिर है अगर सोडियम वन टाइम इंक्रीज हो रहा है, फ्लूइड तीन टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो भी हमें रिलेटिवली यही फील होगा कि पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है। उसको कहते हैं हाइपोनेट्रीमिया विद हाइपरवोलीमिया। अब ये कब होता है, ये उन कंडीशंस में होता है जब आपकी बॉडी ने जो फ्लूइड एक्सक्रीट करना है नॉर्मली वो नहीं कर पा रही, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम्स के पेशेंट, सिंड्रोम के पेशेंट्स होते हैं, आपने देखा है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट्स में क्रॉनिक किडनी डिजीज होती है, ये जो क्रॉनिक किडनी डिजीज में उसमें अगर पेशेंट ज्यादा पानी पीता रहे और वो नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से या क्रॉनिक किडनी डिजीज की वजह से उतना निकाल नहीं पा रहा, तो आपको पता है कि किडनी मेल फंक्शनिंग जब होती है ये सीकेडी में, तो वो ना फ्लूइड निकालती है और ना ही अंदर से मजीद चीजें निकालती है। हो सकता है कभी कभार सोडियम निकल भी रहा होता है ज्यादा, लेकिन ज्यादातर होता है कि नहीं भी निकल रहा होता। एज ए रिजल्ट क्या होता है कि फ्लूइड भी एक्यूमुलेट हो रहा होता है, बॉडी में एडिमा डेवलप हो रहा होता है, और फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा होता है और थोड़ा बहुत सोडियम भी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, लेकिन फ्लूइड बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है तो रिलेटिवली पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है। तो ये वाला भी आपने डिफरेंस लाजमी याद रखना है कि इसमें दोनों काम है, इसमें एक नॉर्मल है और फ्लूइड ज्यादा है, और इसमें दोनों ज्यादा है लेकिन फ्लूइड बहुत ज्यादा है, और कॉजेज भी याद रखनी है। तो ये जो आपका थर्ड वाला, ये आपकी क्रॉनिक डिजीजेज में होता है, जैसे नेफ्रोटिक सिंड्रोम, क्रॉनिक किडनी डिजीज, लिवर सिरोसिस, कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर, ये वो सारी चीजें जिनमें आप पेशेंट की अगर आप जिस्म को देखेंगे ना तो उसके जिस्म में स्वेलिंग होगी, एडिमा होगा, ये वो सारी चीजें यहां आ जाती हैं। अच्छा, पेशेंट के फीचर्स क्या होंगे, किस तरह से प्रेजेंट करेगा, जब जब बॉडी में सोडियम का लेवल कम होता है तो आपको पता है कि जब जिस भी वजह से होगा, सारों में यही हो रहा है कि रिलेटिवली सोडियम का लेवल कम हो रहा है। सोडियम का लेवल जब ब्लड में कम होता है ना तो जाहिर सी बात है कि जो सीरम ऑस्मोलैलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ऑस्मोलैलिटी जो मेंटेन हो रही थी 280 तकरीबन होती है वो अब कम होगी है। सीरम ऑस्मोलैलिटी जब कम होती है इसका मतलब है कि ब्लड में अब फ्लूइड का लेवल ज्यादा, सोल्यूट्स कम है, तो हमेशा होता है कि वाटर वहां पर मूव करने की कोशिश करता है जहां सोल्यूट्स ज्यादा कंसेंट्रेटेड होते हैं। एज ए रिजल्ट जो वाटर है वो ज्यादा रिमूव करता है सेल्स के अंदर जहां से सोल्यूट्स ज्यादा नजर आते हैं। अब होते हैं सेल्स के अंदर तो कंडीशन ठीक है, लेकिन जो इंट्रावेस्कुलर कंपार्टमेंट है, जो वेसल्स है, उनके अंदर ऑस्मोलैलिटी कम है, तो वाटर मूव करने की कोशिश करते हैं सेल्स के अंदर। एज ए रिजल्ट क्या होता है, पेशेंट को जो सिम्टम्स आते हैं सबसे इनिशियल स्टेजेस पे, तो सिंपली उसे एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, लेथार्जी और थोड़ा बहुत उसको मेंटल कन्फ्यूजन होगी। मेंटल कन्फ्यूजन इसलिए होती है कि वही बात है कि जो ब्रेन सेल्स है, सेरिब्रल सेल्स है, वाटर उनके अंदर फॉरन रिमूव करता है, एज ए रिजल्ट सेरिब्रल सेल्स का एडिमा हो रहा होता है, क्योंकि बाहर जो है वो ऑस्मोलैलिटी कम है, सेल के अंदर ऑस्मोलैलिटी ज्यादा है, सोल्यूट ज्यादा है, वाटर मूव करेगा जहां पर सोल्यूट ज्यादा है उस तरफ, तो एज ए रिजल्ट सेरिब्रल एडिमा की तरह के फीचर्स पेशेंट के प्रेजेंट होने लगे। तो शुरू की स्टेज जब होती है या अभी थोड़ा हाइपोनेट्रीमिया होता है, पेशेंट सिंपली एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग और साथ उसको सीजर्स या फिर ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस होगा, और यही चीज जब ज्यादा प्रोग्रेसिवली बढ़ जाती है
तो उसके बाद फिर पेशेंट को इवन कोमा वाले फीचर्स, मतलब पेशेंट कोमा में चला जाता है और बहुत ज्यादा सीजर्स होंगे और उसको इवन कार्डियो रेस्पिरेटरी अरेस्ट हो जाती है, ठीक है, तो इतने ज्यादा सवेयर हो जाते हैं। अब इसमें दो बातें ये भी हैं कि हमारे पास जो हाइपोनेट्रीमिया है उसके फीचर्स आना है, इस पर भी डिपेंड करता है कि ये स्लोली डेवलप हुआ है या अचानक डेवलप हुआ है। जब हाइपोनेट्रीमिया एक्यूट डेवलपमेंट होती है, एक्यूट डेवलपमेंट का मतलब है कि लेस देन 48 आवर्स में आपका हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हुआ है और अच्छा खासा हुआ है, तो उसमें अभी सेल्स को किसी भी किस्म के कॉम्पेंसेशन का टाइम नहीं मिलता। उस वक्त क्या होता है कि सारा का सारा वाटर जैसे ही हाइपोनेट्रीमिया डेवलप हो रहा है तेजी से हो रहा है, सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो ही जा रही है, सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो रही है, यहाँ वाटर को मिल रहा है कि मेरे पास तो बड़ी जगह है, वाटर देखता है कि जो चीज मुझे नजर आएगी जहां पर मुझे सोल्यूट ज्यादा नजर आएगा मैं उधर घुस जाऊंगा, अगली चीज की बेचारी की जरूरत ही नहीं कि उसको रोक सके, वाटर घुस जाता है और फॉरन सेरिब्रल एडिमा होता है, पेशेंट को फीचर्स आते हैं एकदम से, कोमा, सीजर्स, डिलीरियम और साथ एक्यूटली बहुत ज्यादा नोजिया, वॉमिटिंग होगा, इस किस्म की चीजें। ये होता है जब एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। अब जब हाइपोनेट्रीमिया ऐसा हो कि वो आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो, जैसे ये जो हमारी क्रॉनिक डिजीजेस होती है ना, खासतौर पे ये जिस तरह मैंने बात की लिवर सिरोसिस या सीकेडी, इनमें स्लोली डेवलपिंग हाइपोनेट्रीमिया होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें अब जब आहिस्ता आहिस्ता मोर देन 48 आवर्स जब भी होंगे ना डेवलपमेंट के, तो उसको हम कहते हैं स्लोली डेवलपिंग या क्रॉनिकली, ठीक है। अब क्या होगा कि आहिस्ता आहिस्ता सीरम की ऑस्मोलैलिटी कम हो रही है और ये मेरा सेल पड़ा हुआ है, इसकी ऑस्मोलैलिटी नॉर्मल है, तो थोड़ी थोड़ी इसकी ऑस्मोलैलिटी कम हुई तो एक जरा सा पानी इसके अंदर आया, इसने देखा कि कोई मसला चल रहा है, मेरे अंदर वाटर क्यों एक्स्ट्रा आ गए, इसने देखा कि बाहर सेल ने ये जज की चीज अपने जारे रिसेप्टर्स और एवरीथिंग के जरिए कि लगता है कि बाहर जो है कोई मसला है जिसकी वजह से पानी मेरे अंदर आ रहा है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं अपने अंदर से सोल्यूट्स को बाहर भेज देता हूँ ताकि ये जो पानी मेरे अंदर आके मुझे डिस्टर्ब करे ये ना करे। तो आपको पता है कि नॉर्मली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होता है और इंट्रा सेलुलरली पोटेशियम ज्यादा होता है, ऐसे ही है ना, सोडियम तो बाहर से डिप्लीट हो रहा है क्योंकि हाइपोनेट्रीमिया है किसी वजह से, आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है लेकिन हो रहा है। उसके रिजल्ट में क्या करते हैं कि सेल के अंदर है वो अपने अंदर से पोटेशियम को निकाल के बाहर भेजने लग जाता है, जो पोटेशियम को थोड़ा सा बाहर भेजते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा कि उतना इतना कि उसका सेल का फंक्शन ज्यादा खराब ना हो। तो क्या होता है कि अंदर की भी ऑस्मोलैलिटी अब कम हो गई है, ऑस्मोलैलिटी सोल्यूट ही बनाते हैं ना, तो अंदर की भी ऑस्मोलैलिटी पोटेशियम जब बाहर चला जाएगा तो कम हो जाएगी, बाहर की ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी पोटेशियम की वजह से, सोडियम नहीं है, पोटेशियम थोड़ा सा आएगा तो बाहर की ऑस्मोलैलिटी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, एज अ रिजल्ट दोनों की ऑस्मोलैलिटीज एक दूसरे के लगभग हो जाएंगी, बाहर की थोड़ी सी ज्यादा और अंदर की थोड़ी सी कम, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा अंदर फ्लूइड नहीं जाएगा और जो सेल्स हैं वो नॉर्मल रहेंगे। अभी भी पेशेंट्स को जो हाइपोनेट्रीमिया के बाकी फीचर्स हैं, यानी जो वॉमिटिंग, नोजिया है और जो उसकी वजह से होने वाली मजीद मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट्स है, वो फीचर्स जरूर आएंगे। मतलब ये कि पेशेंट को जाहिर सी बात है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सोडियम जो अपनी पूरी बॉडी में डीपोलराइजेशन कर रहे हैं एंड एक्शन पोटेंशियल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी कमी के फीचर्स ना आए, लेकिन एकदम से डेवलप नहीं होंगे, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होंगे, और आहिस्ता आहिस्ता जब ये सोडियम बहुत कम हो जाएगा और सेल के पास ये एबिलिटी रहेगी नहीं कि अब ये मजीद पोटेशियम को बाहर निकाले, फिर यही होगा कि यहाँ की ऑस्मोलैलिटी रिजल्टेंटली कम हो जाएगी और रिजल्टेंटली वाटर अंदर आने ही लग जाएगा, ठीक है। तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता चीजें डेवलप होती है, इसलिए पेशेंट को सिम्टम्स भी आराम आराम से आते हैं, और अक्सर कहा जैसे पेशेंट्स रूटीन इन्वेस्टिगेशन पे डिटेक्ट होते हैं क्योंकि वो बेसिक क्रॉनिक डिजीज के पेशेंट्स होते हैं, सीकेडी और नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ये जो बाकी चीजें जैसे वॉमिटिंग, डायरिया बहुत ज्यादा है या बर्न के पेशेंट्स हैं या फिर जो प्राइमरी पोलीडिप्सिया के पेशेंट्स हैं, इनमें एक्यूट प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। तो ये डिफरेंस आता है प्रेजेंटेशन का दोनों में, और ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखने, किसी को नहीं समझ आया तो आप दोबारा सुन लें, मुझसे पूछ लें कि किस तरह से दो चीजें अलग अलग है। पहले केस में सेरिब्रल एडिमा होगा एकदम से, दूसरे केस में सेरिब्रल एडिमा तकरीबन नहीं होता या होता है तो बहुत लेट स्टेजेस में, और उससे पहले हमेशा वो डिटेक्ट हो चुके होते हैं और उनको ट्रीटमेंट मिल चुकी होती है। इन्वेस्टिगेट किस तरह से करना है, अब इन्वेस्टिगेशन हमने ऐसी करनी है कि हम कॉज की तरफ जाएं, जाहिर है, तो कॉज को डिटेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपने कंफर्म करने की हाइपोनेट्रीमिया है भी या नहीं, तो उसके लिए आप सीरम सोडियम लेवल करेंगे जो कि हमेशा आपको 135 से कम मिलेगा। अभी मैंने आपसे कहा था कि यहां पर अब आपका सवाल आएगा आपके जहन में कि यू वोलीमिक स्टेट में मैंने आपसे कहा था कि सोडियम नॉर्मल होता है, हाइपर वोलीमिया में मैंने कहा था सोडियम ज्यादा होता है, तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ कि सीरम सोडियम कम आएगा, वैसे मैं कह सकती हूँ कि दोनों केसेज में फ्लूइड बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यू वोलीमिया में मैंने कहा था सोडियम नॉर्मल है लेकिन फ्लूइड ज्यादा है, और हाइपर वोलीमिया में मैंने कहा था कि फ्लूइड बहुत ज्यादा है। जब फ्लूइड बहुत ज्यादा होता है ना तो फिर आप सीरम सोडियम को जब मेजर करते हैं तो हमेशा वो डिक्रीज ही अमाउंट में आता है, ठीक है। तो ये बात होती है कि आपके पास हमेशा सीरम सोडियम लेवल कम आएगा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं, अगला टेस्ट आप सबसे पहले आपने चेक करना होता है कि ऐसा तो नहीं है कि किसी और चीज के ज्यादा होने की वजह से ब्लड में सोडियम का लेवल रिलेटिवली कम आ रहा है, जिसमें यूरिया, ग्लूकोज, लिपिड्स एंड इम्यूनोग्लोबुलिन हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को ना हाइपरलिपिडीमिया होता है
और हम जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो वो लिपिड्स बहुत ज्यादा उस एक सैंपल में आ जाते हैं, जिससे हमें लगता है सोडियम कम है, लेकिन असल में सोडियम कम नहीं होता। या हाइपरग्लाइसीमिया में भी उस ब्लड सैंपल में ग्लूकोज बहुत ज्यादा आ जाता है, तो हमें लगता है कि शायद हाइपोनेट्रीमिया, लेकिन ऐसा में नहीं होता। पहले आपने इनके लेवल्स चेक करने हैं ताकि गलती वाला कॉज को हम रिमूव कर लें, क्योंकि ये जो कंडीशन है इनमें असल में हाइपोनेट्रीमिया नहीं होता पेशेंट को, यूरिया ग्लूकोज लिपिड या इम्यूनोग्लोबुलिन का लेवल ज्यादा होने पे। इनमें सब कुछ नॉर्मल होता है, सोडियम नॉर्मल होता है, फ्लूइड नॉर्मल होता है, सिर्फ ब्लड के सैंपल का में सोडियम कम आता है, जिसकी वजह से हमें आर्टिफेक्चुअल कॉज होती है ये, एक कम लगता है। तो आपने पहले ही रूल आउट करना है। अच्छा, अब आपको सोडियम लेवल कम मिल गया और आपने यूरिया ग्लूकोज रिपीट करा ली, ये सब नॉर्मल है, इसका मतलब है कि पेशेंट को वाकई हाइपोनेट्रीमिया है। फिर आप सीरम ऑस्मोलैलिटी करेंगे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हाइपोनेट्रीमिया है तो सीरम ऑस्मोलैलिटी कम होनी चाहिए, और नॉर्मल सीरम ऑस्मोलैलिटी 280 तो 280 से कम आएगी, ठीक है। सीरम ऑस्मोलैलिटी के बाद आपने अब चेक देखना है कि क्या टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी नॉर्मल है या नहीं है। उसके लिए आप बेहतर है यूरिन ऑस्मोलैलिटी कराएं। यूरिन ऑस्मोलैलिटी का फायदा ये होता है कि अगर आपके पास यूरिन की ऑस्मोलैलिटी भी कम आती है, लेस देन 100 आती है, इसका मतलब है कि बॉडी में टोटल वाटर ही ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जब वाटर बहुत ज्यादा है तो सारे सोल्यूट्स डाइल्यूट हो गए, यूरिन भी डाइल्यूटेड है, ठीक है। यूरिन डाइल्यूट होगा तो उसकी ऑस्मोलैलिटी कम आएगी, तो अगर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी इज लेस देन 100, इसका मतलब है कि बॉडी वाटर ज्यादा हुआ है। तो फिर आपने देखना है कि कोई प्राइमरी पॉलीडिप्सिया टाइप रीजन तो नहीं है, या ऐसा तो नहीं पेशेंट ने सोल्यूट्स कम लिए तो वाटर ज्यादा हो गए, तो ये बात होती है, ठीक है। अगर यूरिन की ऑस्मोलैलिटी 100 से ज्यादा आती है, इसका मतलब है यूरिन की ऑस्मोलैलिटी ठीक है, यानी कि सीरम में वाटर का लेवल बहुत ज्यादा होपफुली नहीं है, सोडियम ही कम हुआ है। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, यूरिनरी सोडियम कराते हैं। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा कि किसी रीनल कॉज की वजह से तो नहीं सोडियम ज्यादा लूज हो रहा बॉडी से, क्योंकि रीनल कॉज की वजह से भी हो सकता है। या फिर अगर वो कैसे पता चल जाएगा कि अगर यूरिनरी सोडियम मोर देन 30 आता है, इसका मतलब है कि किडनी में कोई मसला है और किडनी सोडियम को जो कंजर्व करती थी वो नहीं कर रही और ज्यादा लूज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो रहा है, तो इससे हमें पता चल जाएगा यूरिनरी कॉज है। लेकिन अगर यूरिनरी सोडियम लेस देन 30 आते हैं, इसका मतलब है कि नॉर्मल है, इसका मतलब है कि किडनी भी कॉज नहीं है। फिर कॉज क्या है, फिर हम देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कोई हाइपोवोलीमिया का फीचर तो नहीं है, यानी कि ऐसा तो नहीं है कि उसको कोई बर्न की कंडीशन है, कोई डायरिया वॉमिटिंग की कंडीशन है, तो हम उसमें साइंस ऑफ डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम चेक करते हैं, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन चेक करते हैं। वो क्या होते हैं, स्किन टर्गर कैसा है, पेशेंट की थर्स्ट कैसी है, उसका कॉन्शियस लेवल कैसा है, साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन। वो हमें ये बताते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी ऑस्मोलैलिटी भी कम है, जिसकी वजह से उसका यूरिनरी सोडियम भी कम है, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस तरह से, और ये सारी चीजें होती है जिससे हम डायग्नोसिस की तरफ पहुंचते हैं। तो मेनली जो आपके सबसे इंपॉर्टेंट तीन टेस्ट हैं जो आप लिखेंगे, तो सीरम ऑस्मोलैलिटी, यूरिन ऑस्मोलैलिटी एंड यूरिनरी सोडियम है जो आपको डायग्नोसिस की तरफ लेके जाएंगे। तो बाकी सारी बातें मैं बोल रही हूँ साथ, वो भी हमें थोड़ी थोड़ी सी लिखनी होती है साथ साथ, कि आप ये क्यों करा रहे हैं और क्या होगा तो क्या नहीं होगा, ठीक है। ये भी बुक में लिखी नहीं है सारी, लेकिन आपने जरूर देख लेनी है, ठीक है। तो हमने इस तरह से कॉजेस की तरफ पहुंचना, ये नहीं भी कहीं 100% आपको पहुंचा देंगे, लेकिन आपने कोशिश करनी है। कुछ लोग कहते हैं कि वेजोप्रेसिन का लेवल आप करा लें, अगर किस तरह मैंने कहा कि सिंड्रोम ऑफ इनअप्रोप्रिएट एडीएच सेक्रेशन, ये भी कर सकता है, जाहिर है ये ज्यादा होगा तो ज्यादा वाटर कंजर्व होगा, लेकिन इसको कराने से फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि वेजोप्रेसिन का लेवल बहुत सारी चीजों में इंक्रीज हो रहा होता है, जिस वजह से ये हमारे लिए इतना सेंसिटिव टेस्ट नहीं होता, तो हम नहीं कराते। अब हमने इसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है जो हाइपोनेट्रीमिया हो गया पेशेंट को। अगर हाइपोनेट्रीमिया उसको लेस देन 48 आवर्स में डेवलप हुआ, जैसे मैंने कहा था एक्यूट डेवलपमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया, तो उसकी मैनेजमेंट डिफरेंट होती है। उसकी मैनेजमेंट में आप सिंपली ये करते हैं कि एक्यूट डेवलपमेंट, इसका मतलब है कि एक्यूट सेरेब्रल एडिमा हुआ है पेशेंट को, और सेरेब्रल एडिमा में सेल्स इतने स्वेल हो गए, उस स्वेलिंग को आपने भी एक्यूटली रिड्यूस करना है, तो आप फौरी तौर पर पेशेंट को IV सेलाइन इन्फ्यूज करना शुरू करेंगे, और उसमें फर्स्ट 20 मिनट्स में आप 150 ml दे देते हैं, और फिर उसके बाद आप चेक करते हैं कि कोई फायदा। जहर आप नॉर्मल सलाइन डालेंगे, सोडियम लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा, तो सोडियम लेवल इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा कि आपकी जो ब्लड है उसकी ऑस्मोलैलिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ऑस्मोलैलिटी ब्लड की इंक्रीज होगी। तो ये जो मेरे पास सारा का सारा सेल था, जो सेरिब्रल सेल था, ब्रेन का सेल था, जिसमें फ्लूइड वाटर भर गया था, उसमें से वाटर दोबारा ब्लड में आएगा और ये सेल अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है जब आपका रैपिडली डेवलपिंग होगा, उसमें आपने जब IV सेलाइन देंगे तो दोबारा से सेरेब्रल एडिमा ठीक हो जाएगा, वाटर वापस आ जाएगा वेसल्स में, ठीक है। तो 150 ml आपने पहले 20 मिनट्स में देखना, फिर मेयर करना, और फिर दोबारा से बोलस देना इस तरह से, जब तक ये ठीक नहीं हो जाता। लेकिन अगर आपके पास दूसरी कंडीशन ऐसी है कि जो स्लो डेवलपमेंट हुई है हाइपोनेट्रीमिया की, अब स्लो डेवलपमेंट का मतलब ये है कि आपका जो सेल था उसने कॉम्पेंसेट किया हुआ है, मैंने आपको बताया था कि ये सेल है और इसने कॉम्पेंसेट किया हुआ है अपने अंदर से पोटेशियम को बाहर निकाल के, अपनी ऑस्मोलैलिटी कम करके, और अब क्या है कि दोनों की कंडीशन एक जैसी है, मतलब यहां भी ऑस्मोलैलिटी उतनी, यहां भी ऑस्मोलैलिटी उतनी, ये इसके अंदर से ऑस्मोलैलिटी डिक्रीज हुई है, ठीक है। इसके अंदर अब आपने याद रखना है कि
क्रॉनिक स्टेट्स में सेल की ऑस्मोलैलिटी भी कम होती है। इस केस में आपने अगर अचानक से यहाँ की ऑस्मोलैलिटी को ज्यादा कर दिया, किस तरह सोडियम को अचानक से आपने इन्फ्यूज किया, इसी तरह आईवी सलाइन, और इधर की जाहिर है इधर सोडियम आएगा तो यहाँ की ऑस्मोलैलिटी बढ़ जाएगी, ये तो डेफिनेट सी बात है। अगर आपने फॉरन से इसी तरह से 150 ml का बोलस देके यहाँ की ऑस्मोलैलिटी को बढ़ा दिया तो क्या होगा, यहाँ की ऑस्मोलैलिटी जब बढ़ेगी तो आपको पता है कि वाटर हमेशा कोशिश करते हैं कि जहां सोल्यूट ज्यादा है वहां चला जाओ, यहाँ की ऑस्मोलैलिटी कम थी, इधर जो रेजिडुअल वाटर होगा जो बाकी बचा वाटर होगा वो भी दिखेगा कि बाहर तो सोल्यूट ज्यादा है, तो वाटर को सोल्यूट्स बहुत पसंद होते हैं, वो जो बाकी बचा कुचा वाटर है वो निकल के, हालांकि यहाँ स्वॉलन नहीं है सेल लेकिन जो नॉर्मल वाटर पड़ा हुआ है वो फौरन निकल के वेसल्स के अंदर आएगा, जब वो फौरन निकल के वेसल्स के अंदर आएगा तो सेल बेचारा श्रिंक कर जाएगा और जो सेरेब्रल सेल्स होते हैं आपकी न्यूरॉन्स होती है, न्यूरॉन्स डीमायलिनेशन हो जाएगी, ठीक है, तो डीमायलिनेटिंग डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है पेशेंट के अंदर जो कि कोमा कर सकता है, उसी वक्त फौरन पेशेंट को कोमेटोज स्टेट में लेके जा सकता है, वो डेवलप हो जाते हैं अगर आपने ऐसे स्लोली डेवलपिंग हाइपोनेट्रीमिया में फॉरन सोडियम क्लोराइड दे दी। इस वजह से हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको गाइड करेगी कि पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया स्लोली डेवलपिंग था या रैपिडली डेवलपिंग है, ठीक है। स्लोली डेवलपिंग में आप कभी भी फॉरन नहीं देते, आईवी सेलाइन 10 mmol/L/24 hours से ज्यादा देते ही नहीं है और ये बहुत थोड़ा है, आहिस्ता आहिस्ता करके आप सीरम ऑस्मोलैलिटी को बढ़ाते हैं ताकि जैसे जैसे सीरम ऑस्मोलैलिटी बढ़े तो यहाँ से फ्लूइड सारा निकल के बाहर ना आ जाए, जैसे यहाँ सीरम ऑस्मोलैलिटी बढ़ेगी थोड़ा सा फ्लूइड अगर यहाँ से निकल के बाहर आया भी जरा सा तो सेल को पता चल जाएगा कोई मसला है, सेल अपना पोटेशियम वापस अंदर ले लेगा तो सेल की ऑस्मोलैलिटी भी नॉर्मल हो जाएगी, इस तरह चीजें नॉर्मल होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पर अगर फॉरन बढ़ा देंगे तो सारा फ्लूइड बाहर आ जाएगा और बेचारा ये श्रिंक हो जाएगा और डीमायलिनेशन हो जाएगी, तो ये आपने प्रिवेंट करनी होती है। अच्छा, ये तो दो चीजें हो जाती है कि आपने उस वक्त ट्रीटमेंट कर दी, उसके बाद जो ट्रीटमेंट है आपने अंडरलाइंग कॉज की वो तो करनी करनी है। फॉर एग्जांपल जो हाइपोवोलीमिया वाले पेशेंट्स होंगे, ये वाले फर्स्ट वाले, उनमें आपने सेलाइन इन्फ्यूजन करनी होती है। जो यूवोलीमिया वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें सिर्फ प्रॉब्लम होती है एक्सेसिव फ्लूइड, उनको आपने फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन से ठीक करना होता है। जो हाइपर यही वाले जो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन वाले पेशेंट्स हैं इन्हीं में आप ओरल यूरिया थेरेपी भी दे सकते हैं। उससे क्या होता है, यूरिया जब आप देते हैं ना तो उससे डायूरेसिस होता है, बॉडी में से वाटर ज्यादा निकलता है तो उससे भी बॉडी फ्लूइड कम हो जाता है। तो ये दोनों चीजें सेकेंड वाली चीज के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट वाले के लिए। और जो हमारे पास एक और तरीका है बॉडी फ्लूइड कम करने का वो ये कि आप ओरल वेजोप्रेसिन रिसेप्टर को एंटेगनिस्ट दे दें, तो वेजोप्रेसिन हार्मोन जो रिलीज हो रहा है वो एक्ट नहीं करेगा और एज अ रिजल्ट आपकी जो फ्लूइड है वो कम हो जाएगा। तो ये तीनों तरीके सेकंड के लिए। और जो थर्ड है हमारे पास कंडीशन, उसमें आपने जो भी क्रॉनिक डिसऑर्डर है उसको ट्रीट करना है। तो यहाँ पर बात खत्म करते हैं, किसी कोई मसला होगा ना आसमें। थैंक यू।